चिल्वाताल थाना क्षेत्र निवासी सारिका श्रीवास्तव ने सास ससुर व पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि 3 साल तक वह अपने ससुराल में रहीं, लेकिन उसके बाद ससुराल के लोगों द्वारा बार बार पैसा मांगा गया। पैसा न मिलने पर ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब वह दर दर भटक रही हैं। सारिका श्रीवास्तव ने कहा कि यदि उन्हें न्याय न मिला तो आत्महत्या कर लेंगी। वो मजबूरी है कि हमारे ससुराल वाले बहुत प्रताड़ना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या मामला है? दहेज के लिए। कौन कर रहा है? मेरी सास और मेरे पति और मेरे जेठ। क्या नाम है आपका? नितिन श्रीवास्तव। कहाँ रायगंज, उत्तरी रायगंज। उत्तरी रायगंज थाना राजघाट। क्या मामला था, क्या शादी तो हमारी 2007 में हुई थी। और जब शादी होकर हम ससुराल आए तो दहेज के लिए तुम्हारी मम्मी ये नहीं दी है, तुम्हारे पापा ये नहीं दिए हैं, तुम्हारा भाई ये नहीं दिया है। किसी तरह हम सहते सह लिए। फिर उसके बाद मैके लोग पहुँचा दिए लड़ झगड़ के। और उसके बाद फिर गए, अपने मन से गए हम। फिर शुरू हुई बात लेके, मेरे जेठ का लड़का था, वो बेल्ट लेके आया मारने। हम गए, क्यों मारने आ रहे हो? तू कहा कि तुम घर से निकल जाओ, हम घर के चिराग हैं। तभी पेट में थी। और उसके बाद से ये 8 में पैदा हुई सन 2008 में। फिर मेरी सास लड़की हुई है, इसको लेके कुछ दिन चला। मतलब कुल मिला के आपको किसी ने किसी बहाने बता? हाँ, सिर्फ पैसे के लिए। कितनी मांगी पैसे? 2 लाख। 2 लाख जी नहीं दे रहे पैसा आपके साथ? हाँ, आए दिन